सभी अंग्रेजी well. की की क्लास क्लास और आज में master करने जा रहे हैं, समझने जा रहे रहे हैं 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 समझने काफी important topic है, use it a lot, काफी है ज़्यादा इसका use भी करते हैं, तो आपको पता होना चाहिए क्या होते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव कैसे ये अलग होते हैं डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन से कैसे इनका यूज करते हैं कैसे इनको आइडेंटिफाई करते हैं और इनसे रिलेटेड अमेजिंग अमेजिंग टिप्स तो लेसन को एंड तक जरूर देखना फन आई एम एक्साइटेड एज ऑलवेज आई एम टू इट्स

अब टू बी ऑनेस्ट हमें ये डेफिनेशन देखने की जरूरत भी नहीं है अगर हम इस वर्ड को देखें डिमॉन्स्ट्रेटिव तो शायद हमें पता चल जाएगा कि वर्ड एग्जैक्टली इट डे करता क्या डिमॉन्स्ट्रेट का मतलब डिमॉन्स्ट्रेट होता है वह जिसका मतलब होता है पॉइंट आउट करना उंगली करना किसी तरफ तो डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो नाउन्स को पॉइंट आउट करते हैं ये वाला ये वाले आ, वो वाला वो वाले इस तरीके से तो डिमोन्स्ट्रेटिव एज्रेटिव क्या है एक वर्ड है जो एक नाउन को मॉडिफाई करेगा किस सेंस में उसका नंबर बता के और यह बता के कि वो स्पीकर से कितना नजदीक है तो डिमोन्स्ट्रेटिव बताएगा एक नाउन का नंबर कि वो नंबर में एक है सिंगुलर है या प्लूरल है एक से ज्यादा है और वो स्पीकर के पास है या दूर है पॉइंट आउट करेगा ये फोन ये बोतल ये लड़की ये लड़का वो लड़का वो घर वो अपार्टमेंट है ना वो शहर वो दिन है ना आ, ये ये बच्चे ये लड़के है ना ये अपार्टमेंट्स ये घर ये ये पेंस वो घर वो बिल्डिंग्स तो इस तरीके से ये नंबर बताएगा नाउन का आपको आ, बताएगा नाउन सिंगुलर है या प्लूरल है नंबर में एक है या एक से ज्यादा है और ये बताएगा कि वो नाउन स्पीकर के पास है नजदीक है या स्पीकर से दूर है तो देखिए चार होते हैं हमारे डिमोन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव दिस दैट दीज एंड दो अंडरस्टैंड ऑल ऑफ दिस एक करके दिस दिस सिंगलर नाउन को मॉडिफाई करने के लिए यूज करेंगे किसी सिंगलर नाउन को पॉइंट आउट करने के लिए जो स्पीकर के नजदीक हो क्लोज टू द स्पीकर विल यूज दिस टू पॉइंट आउट अर नाउन दैट इज क्लोज टू द स्पीकर दिस फोन इज अमेजिंग दिस फोन क्लोज टू मी दिस फोन दिस बैड इज ब्यूटिफुल आई स्पेंड अट ऑफ मनी ऑन दिस बैड दिस बैड जिस बेड पे मैं बैठा हूँ uh, पास नजदीक में ही है, तो मैं कर रहा हूं ये year, फोन तो ये सारे सिंगलर हैं और मेरे मैं स्पीकर हूँ तो मेरे ये सारे पास है दैट का यूज करेंगे हम अगेन एक सिंगुलर नाउन को पॉइंट आउट करने के लिए लेकिन यहां पर वो नाउन आपके नजदीक नहीं होगा आपसे थोड़ा दूर होगा

उतनी क्लियर क्लियर नहीं दिख रही है ना वो कुत्ता लुक एट वो दूर एक कुत्ता दिख रहा है लुक द स्टे अवे फ्रॉम दैट डॉग उस दो, उस कुत्ते से दूर रहो है ना तो सिंगलर नाउन को मॉडिफाई करेंगे दैट का यूज करके जो स्पीकर से दूर है फार अवे फ्रॉम द स्पीकर दीज दीज प्लूरल नाउन प्लूरल नाउन को रेफर करेंगे जो स्पीकर के नजदीक हैं क्लोज हैं क्लोज टू द स्पीकर दोज़ अगेन प्लूरल नाउन लेकिन ये स्पीकर से दूर है दीज गर्ल्स दीज पीपल ये लोग दीज पेन्स दीज शीट्स दीज गर्ल्स दीज 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 बॉयज कॉपीज रजिस्टर्स आपके सामने कुछ कॉपी रखी है दीज कॉपीज मैं ये कॉपी चेक कर रहा हूँ ठीक है चेक कर रहा हूँ ये कॉपीज जो मेरे सामने रखी है एक से ज्यादा है वो मेरे नजदीक है कैन यू पास मी दोज कॉपीज दूर आपके बहुत दूर कॉपी रखी हुई है ना कैन यू पास मी दोज कॉपीज अगर दूर है और आप कंफ्यूज हो सकते हो तो दोज दीज मतलब पास में ही है यार यही दिख तो नहीं है अरे दोज तो दिस और दैट हम सिंगुलर को, को मॉडिफाई करने के लिए और दीज और दोज, को। अब इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो सिंगुलर दिस और दैट में केवल चार लेटर हैं दीज और दोज में पांच लेटर बट दिस यार ये तो कहने वाली चीज है आपको टीचर्स बोलेंगे दिस इज अ ट्रिक हिंट है जो कि है भी बट दिस इज़ नॉट हाउ द लैंग्वेज वॉक्स इस तरीके से हम सीखते नहीं है कुछ भी चीज ये तो एक रट्टा मारने वाला तरीका हो गया आप धीरे धीरे आप जैसे ही स्टार्ट करते हैं इनका यूज़ करना जैसे आप सेंटेंसेस में अपनी स्पीकिंग में इनका यूज़ करेंगे इनको इन्वॉल्व करेंगे आपको ये करने की जरूरत नहीं आप समझ जाएंगे ठीक है द मोमेंट यू लुक एट इट द मोमेंट यू यूज अ वर्ड यू नो कि ये सिंगलर है या प्लूरल है तो आपको ये फोर लेटर फाइव लेटर करने की जरूरत नहीं है ना वी नो वट ए डेमोस्ट्रेटिव एज्जिव इज कितने टाइप्स के होते हैं कितने आते हैं इसमें कैसे इनका यूज़ करते हैं आप और एग्जाम्पल्स देख लेते हैं और इसको और बेहतर तरीके से समझते हैं अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स लेंगे और कुछ विजुअल्स भी लेंगे और इसको मास्टर करेंगे देखिए हमारा यहाँ पर्पज़ इसको बस इसकी डेफिनेशन देख के कुछ एग्जाम्पल्स देख के खत्म करना नहीं है हमारा पर्पज इसको मास्टर करना है इन सच अ वे कि हम किसी को पढ़ा भी सकें

डोंट टच किस को इस बॉक्स को तो लेट्स सपोज हम यहाँ पर खड़े हैं है ना हम यहाँ पर खड़े हैं ऐसे है ना और यहीं पर एक बॉक्स रखा हुआ है पास में हमारे है ना यार मैं दिखा भी देता हूँ ऐसी क्या बात है लाइव एग्जाम्पल है ना मजा इसका अलग है तो ये बॉक्स आपको दिख रहा होगा बॉक्स बॉक्स तो ये हम यहाँ बैठे हुए पे है ना और बगल में हमारे बॉक्स रखा हुआ है तो मैं कहता हूं यार ये वाला बॉक्स टच मत करना है। मतलब पैक्ड है, है, तो है।, है, है और ये स्पीकर के नजदीक है स्पीकर के नजदीक है डोंट टच दिस बॉक्स अगर ये बॉक्स स्पीकर से दूर होता और स्पीकर को पॉइंट आउट उंगली करनी पड़ती वो वाला बॉक्स तो हम बोलते दैट बॉक्स अब एक चीज और समझ लीजिए कि देखिए जिस को मॉडिफाई करता है उसके बिल्कुल पहले आता है है इसको मिटा लेते हैं तो थोड़ा सा demonstrative, जिस को करता उसके बिल्कुल बगल में बैठ जाता है उसके बिल्कुल बगल में इससे पहले एजेक्टिव भी आ सकता है जो कि इस नाउन को मॉडिफाई करेगा डोंट टच दिस एक्सपेंसिव बॉक्स आई कैन से दैट आई कैन से दिस डोंट टच दिस एक्सपेंसिव बॉक्स

चलते वो वाली शॉप दिख रही है दूर से हाँ जी दिख रही है वो शॉप एक है नंबर में और स्पीकर से दूर है तो हम यहाँ पे शॉप यहाँ पे है तो वो वाली दुकान पे चलते हैं है ना और एक कप चाय पीते हैं दैट दैट पास होता तो दिस बोलते दूर है तो दैट बोल रहे हैं ठीक है दिस पीपल हैव डन अ लॉट फॉर मी इन लोगों ने मेरे लिए बहुत कुछ करा है तो मैं यहाँ पर खड़ा हूं है ना और मेरे यहाँ पर ये सारे दोस्त हैं मेरे बगल में ही खड़ा हुआ और यहां पर मेरे एक चाचा जी आते हैं और मैं चाचा जी से कहता हूं ये जो दोस्त है ना मेरे सारे मेरे बगल में इन लोगों ने मेरे लिए बहुत किया है तो इन लोगों ने पहली बात तो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं ये लोग ये लोग हैं एक से ज्यादा मोर देन वन मोर देन वन तो ये प्लूरल है ठीक है और मेरे नजदीक है इसलिए मैं दीज का यूज कर रहा हूं दीज पीपल ठीक है तो एक चीज और देखो आप ये बेसिकली ये डिमॉन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव नाउन फ्रेज का हिस्सा है दिस बॉक्स एक नाउन फ्रेज है

लुक एस बिल्डिंग्स दे वो बिल्ट लास्ट ईयर उन बिल्डिंग्स को देखो उन इमारतों को देखो वो पिछली साल बनी थी है ना मैं आपको पॉइंट आउट कर रहा हूँ वो इमारतें देख रही है वो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हाँ वो पिछले साल बनी थी वो बिल्डिंग्स वो बिल्डिंग्स ठीक है तो लुक एट किन को दो बिल्डिंग्स दो बिल्डिंग्स तो एक से ज्यादा है बिल्डिंग्स ठीक है एक से ज्यादा है मोर देन वन प्लूरल नाउन है और स्पीकर से दूर है स्पीकर यहाँ पे खड़ा है और बिल्डिंग्स यहाँ पे है ये बिल्डिंग्स दूर है तो हमें ऐसे पॉइंट आउट करना पड़ता अगर पास में होती बिल्डिंग्स है ना तो हम दीज बोलते दीज दीज बिल्डिंग्स पॉइंट तो दिस दैट इस तरीके से हम यूज करते हैं ये हो गया सारा गुचड़ुम मुचड़ुम इसको देते हैं मिटा समझ में आया चलिए अब थोड़ा विजुअली समझते हैं इसको तो हमारे पास क्या है ऑब्जेक्ट एप्पल है एप्पल्स हैं और ये एक ग्रुप है बच्चों का चलिए बहुत बेहतरीन तो देखिए हम यहां पे खड़े हैं और हमारे बगल में एप्पल रखा है तो हम क्या बोलेंगे दिस एप्पल पास मी पास मी दिस एप्पल दिस एप्पल और यू कैन यू कैन ईट दिस एप्पल आप इस सेब को खा सकते हो ये सेब नंबर में एक है देखिए और मेरे नजदीक है ठीक है पास मी दिस एप्पल ईट यू कैन ईट दिस एप्पल अगर ये एप्पल मेरे से दूर चला जाए मेरे से दूर चला जाए तो मैं बोलूंगा एक बार जरा इसको मिटा देते हैं है ना तो मैं बोलूंगा गिव मी दैट एप्पल वो सेब मुझे दीजिए वो सेब देखिए कितनी दूर है मुझे ऐसे पॉइंट आउट करना पड़ रहा है वो सेब तो सिंगुलर के लिए पास है तो दिस यूज करूंगा अगर पास है तो दिस यूज करूंगा अगर पास नहीं है <laughs> अरे दोस्त अगर पास नहीं है तो दैट यूज चलिए अब अब एक से ज्यादा चीजें हैं और उनको पॉइंट आउट करना है नजदीक में तो हम दीज यूज करेंगे दीज एप्पल्स देखिए एक से ज्यादा है एक से ज्यादा है तो हम दीज बोल रहे हैं एक से ज्यादा ठीक है apples take these apples hai na or these apples are tasty or delicious these apples are expensive ye सेब जो दिख रहे हैं आपको बगल में ये बहुत महंगे हैं these apples ठीक है अब ये अगर आपसे दूर हैं तो आप बोलोगे क्या बोलोगे those apples those apples वो सेब समझ में आया क्लियर हुआ चलिए उम्मीद है हो गया होगा आगे बढ़ते हैं और एग्जांपल ले, ले लेते हैं और समझ लेते अच्छे से चलिए बेहतरीन आई डोंट लाइक दिस डिश मुझे ये डिश पसंद नहीं है सामने मम्मी ने प्लेट रख दी यार मम्मी ये नहीं पसंद मेरे को ये डिश नहीं पसंद है ठीक है आई डोंट लाइक दिस डिश अगर मैंने यहां पे ये नाउन हटा दिया तो क्या दिस अभी भी डिमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है आंसर है नो नक्को क्यों क्योंकि इसके आगे एक नाउन नहीं आ रहा तो अगर ये वर्ड्स दिस दैट

too expensive. If something costs you an arm and a leg, मतलब वो बहुत expensive है I cannot buy this phone. It will cost me an arm and a leg. मतलब ये बहुत expensive है So we cannot afford this flat. ये वाला flat. एक है number में और हमारे पास है Don't go near to that tree. उस पेड़ के पास मत जाना It is believed to be haunted. माना जाता है कि ये भूतिया है Don't go near that tree. That tree, है ना? <laughs> <ये ट्री है? laughs> अब बन गया थोड़ा सा ट्री लग रहा है। तो मैं यहाँ खड़ा हूं। मैं यहां खड़ा हूं। तो वो, वो के पास मत जाना दीज चेयर मैं यहां पर हूं है ना और यहाँ पर कुछ चेयर्स रखी हुई है तो कोई आता है मेरे पास कहते हैं यार ये चेयर आप यूज कर रहे हैं क्या मैं कहता हूँ नहीं आई एम नॉट यूजिंग दीज चेयर ये चेयर जो खड़ी है मेरे बगल में रखी है मैंने यूज नहीं कर रहा यू कैन टेक देम विद यू आप इनको अपने साथ ले जा सकते हैं दीज चेयर एक से ज्यादा हैं ठीक है थीके? और मेरे क्लोज हैं इसलिए दीज यूज कर रहा हूँ ठीक है चलिए इनको मिटा देते हैं लेट्स चेक आउट शॉप्स वो शॉप्स कुछ चार पांच दुकानें नहीं दिख रही है यार रोड के दूसरी तरफ दूर है चलो जाके देखते हैं वो किन की शॉप्स है ना लेट्स चेक चेकआउट दो एक से ज्यादा है प्लुरल है ठीक है और स्पीकर से दूर है really रहे हैं ना दूर वो प्रैक्टिस कर रहे हैं kids. Kids, है, और स्पीकर से दूर हैं वो लड़के इसलिए हम दोस्त का यूज कर रहे की पॉइंट की बात करेंगे देखिए अभी तक हमने डिमोन्स्ट्रेटिव एजिट को यूज करा एक नाउन को पॉइंट आउट करने के लिए स्पेशल रिलेशन दिखाने के लिए स्पेस का रिलेशन कि वो स्पेस में जगह में वो वो नाउन वो व्यक्ति या वो चीज स्पीकर के पास है या दूर है अब जरूरी नहीं है कि हम उसको केवल प्लेस के स्पेस के, के टर्म्स में मॉडिफाई करेंगे हम उसको टाइम के टर्म में भी मॉडिफाई कर सकते हैं तो लेट्स सपोज आप अभी ऑक्टूबर 22020 1 में है इस तारीख में और आप बात कर रहे हो एक पास्ट की समय की सिंगुलर है एक नाउन को रेफर कर रहे हो जो सिंगुलर है लेकिन जिस समय में आप अभी हो जिस टाइम में आप अभी हो उससे दूर है ठीक है तो भी आप ये सारे एडजेक्टिव्स का यूज करेंगे अगर सिंगुलर है आपके पास है तो आप दिस बोलोगे सिंगुलर है दूर है तो दैट बोलोगे आप सिंग आ, प्लूरल है आपके पास है तो दीस बोलोगे

लेट सपोज की जब मेरा और मेरे आ, मेरी प्रेमिका का मिलन हुआ था तो उस दिन की बात कर रहे हैं उस मोमेंट की बात कर रहे हैं दैट मोमेंट वॉज स्पेशल वो क्षण बहुत ही ज्यादा स्पेशल था तो दैट सिंगलर है लेकिन पास्ट में है इस समय से जिस समय में मैं हूं इस समय से काफी दूर है तो मैं समय को रेफर कर रहा हूं वो समय वो क्षण बहुत ही ज्यादा स्पेशल था आई रिमेंबर दैट डे वी हैड अ लॉर्ड ऑफ फन और वी एंजॉय आई स्टिल रिमेंबर दैट मुझे आज भी वो दिन याद है हमें बहुत मजा आया था वो दिन तो देखिए दिन एक दिन मैं बहुत सारे दिन की बात नहीं कर रहा एक दिन और वो आज के दिन से बहुत दूर है ठीक है तो आज का दिन यहां है तो वो पुराना वाला दिन यहां पर है तो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूं उस दिन को ठीक है तो यहां पर हम नाउन को पॉइंट आउट कर रहे हैं लेकिन समय के एस्पेक्ट में ठीक है समय के टर्म्स में समझ में आए तो ये तो था पहला पॉइंट दूसरा जो भी आप डेमोस्ट्रोटिव डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव यूज करें वो और उसका नाउन नंबर में सेम होने चाहिए ठीक है है दिस दैट ये क्या सिंगुलर सिंगुलर नाउन नाउन को use कर, uh, singular noun को यूज कर पॉइंट आउट करते हैं दीज और दोज ये क्या करते हैं प्लूरल नाउन को पॉइंट आउट करते हैं तो इनके आगे आपको जो नाउन यूज करना है उनका नंबर और इनका नंबर सेम होना चाहिए तो एग्जाम्पल है आपके सामने तो दिस प्रोजेक्ट नीड्स टू बी फिनिश गलत हो गया और वब भी देखिए वब है नीड सिंगुलर लेकिन सब्जेक्ट तो हमारा हो गया प्लूरल तो ये तो सब्जेक्ट और वब अग्री नहीं कर रहे दैट मीन दिस सेंटेंस इज इन करेक्ट करेक्ट कैसे होगा सिंपल सा यार दिस प्रोजेक्ट्स की जगह आप बोल दो दिस प्रोजेक्ट या तो ये बोल दो है ना और फिर आप इसको नीड्स टू बी बिल्कुल सही है कोई दिक्कत नहीं या क्या बोल दो इसको प्लूरल कर दो दीज प्रोजेक्ट्स अगर पास में है आपके आपके पास में वो प्रोजेक्ट्स और फिर ये हो जाएगा नीड प्लूरल है ना दीस प्रोजेक्ट्स नीड टू बी बाय संडे और दो प्रोजेक्ट्स अगर आपसे दूर हैं ठीक है पास वाले प्रोजेक्ट्स को रेफर कर रहे हो तो आप दो यूज कर लो क्लियर है दूसरा देखो लुकैट बॉयज आना क्या चाहिए था दोज बॉयज और आया क्या बॉय तो ये गलत है ये प्लूरल को रेफर करता है लेकिन यहाँ पर नाउन सिंगुलर है तो ये हो गया गलत क्या करना है हमको हमको इसको प्लूरल बना दिया है लुक एट दोज बॉयज और एट अगर सिंगुलर है तो दैट बॉय बोल दीजिए अगर वो आपके पास है तो दिस बॉय बोल दीजिए सिंपल क्लियर है बट ऐसा लोग कर देते हैं ये गलती कॉमन है तो इसलिए आपके साथ शेयर करें तीसरा अगर आपका डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सेंटेंस में आपने एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज कर लिया और उसके यूज करने से आपके रीडर आप, आपके लिसनर कंफ्यूज हो सकते हैं कि, कि किस नाउन को ये रेफर कर रहे अ सेंटेंस और उसके बाद एक आपने डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का यूज करा तो अगर आपको ऐसा लगता है कि वो प्रोनाउन आपके रीडर्स को आपके लिसनर्स को कंफ्यूज कर सकता है कि

इससे आपको क्लैरिटी मिल जाएगी देखिए, लास्ट नाइट पिछली रात को आई कुक्ड पास्ता एंड इनवाइटेड को पास्ता बनाया तो मैंने पास्ता बनाया पहला काम ये करा सम ऑफ माई फैमिली दैट कुछ मेरे फैमिली मेंबर्स थे जिन्हें ये पसंद नहीं आया ठीक है डिन लाइक दैट अब ये जो दैट है ये डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है बड़ी रेफर किसको कर रहा है कि जो मैंने पास्ता बनाया वो पसंद नहीं आया कुछ मेरे फैमिली मेंबर्स को कि जो मैंने नेबर्स को बुलाया सॉरी uh, इनविटेशन जो था ये पूरी चीज कि जो मैंने इनवाइट किया उनको वो पसंद नहीं आया क्लियर नहीं हो रहा है भाई सच्ची में क्लियर नहीं हो रहा है कि मेरे फैमिली मेंबर्स को जो भी थोड़े से फैमिली मेंबर्स थे उनको क्या पसंद नहीं आया क्या वो पास्ता था जो उन्हें पसंद नहीं आया या मेरा उनको इन्वाइट करना मेरा नेबर्स को इन्वाइट करना

or didn't like my pasta didn't like sorry uh didn't like refer bhi to karna hai didn't like that pasta kuch family members ko wo pasta pasand nahi aaya wo kya pasta ab clear hai ya some of my family members didn't like that invitation जो मैंने उनको invite किया नेबर्स को वो उन्हें पसंद नहीं आया तो मेरा invitation उनको पसंद नहीं आया

दोज है ना इनके आगे कोई नाउन नहीं है इनके बिल्कुल बगल में कोई नाउन नहीं है या एजेक्टिव प्लस नाउन नहीं है तो, तो ये प्रनाउन है अगर इनके आगे नाउन आ रहा है या एजेक्टिव प्लस नाउन आ रहा है, है ना तो ये क्या है ये डिमोन्स्ट्रेटिव एजेक्टिव है एग्जाम्पल देखिए आई लव दैट इट इज टेस्टी मुझे वो बहुत पसंद है काफी टेस्टी है वो काफी टेस्टी है आई लव दैट सैंडविच टेस्टी मुझे वो सैंडविच बहुत पसंद है तो देखिए के, तो के आगे एक तो अगर इन वर्ड्स के आगे एक नाउन आता है तो ये सारे words, जाएंगे अगर ये अकेले आ रहे हैं तो ये adjectives नहीं कहलाए जाएंगे अंडरस्टैंड दस ठीक है और जरूरी नहीं है कि इनके आगे, आगे आपको बिल्कुल नाउन रखना है दिस मैन इसके आगे आप एक एजेक्टिव uh, का यूज कर सकते हो दिस दिस ब्यूटिफुल Men, men तो नहीं बोलेंगे चलो वूमे गर्ल कर, कर लेते हैं तो ब्यूटिफुल है? uh, तो इनके आगे आप मोडिफायर्स यूज कर सकते हैं एजेक्टिव यूज कर सकते हैं ठीक है नंबर और रेगुलर एजेक्टिव या प्रेजेंट पार्टिसिपल या पास पार्टिसपल एजेक्टिव इनका भी यूज कर सकते हैं तो दोस्त यहां पर होता है आज का लेसन खत्म उम्मीद आपको पसंद आया होगा लेसन उम्मीद आपको समझ में आ गया कि डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या है कैसे यूज करते हैं कैसे आइडेंटिफाई करना है आप uh, तो अगर लेसन पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें चैनल पे नए हों तो सब्सक्राइब जरूर करें और मेरी वेबसाइट www.englishwithashish.com पे जाइए आप एक क्विज़ है वहाँ पर उस क्विज़ को ट्राई करिए आंसर वहीं पर मिल जाएंगे अपने आंसर्स को भी मैच करिए आंसर्स के साथ मेरे आंसर्स के साथ बट वंस यू डन आंसरिंग those क्वेश्चन आंसर करने के बाद कोई क्वेश्चन है कोई प्रॉब्लम है कोई डाउट है डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन में लो बिंदास मेरे को बताइए फेसबुक का ग्रुप है आपके लिए वो ज्वाइन करिए इंस्टाग्राम का पेज वो ज्वाइन करिए वहाँ पर मैं शेयर करता रहता हूँ रेगुलरली चीजें तो वहाँ से भी चीज़ें सीखिए अपने आप को बेटर करिए एंड या सुन अबाउट नमस्कार